नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर लिमिटेड के बारे में। तो देखा जाए इस शेयर में पिछले कुछ टाइम पे, अगर मैं आप लोग को 1 महीने का ग्राफ दिखाता हूँ तो उसमें इस शेयर ने काफ़ी अच्छी तेज़ी हम लोग को देखने के लिए मिली थी, और उसके बाद धीरे धीरे इस शेयर में हम लोग करेक्शन भी देखने के लिए मिल रही है। और जो पहला पैटर्न तेज़ी से पहले हम लोग को इस शेयर में देखने के लिए मिल रहा, वही सेम पैटर्न हम लोग को दोबारा इस शेयर में देखने के लिए मिल रहा है। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि जो जयप्रकाश पावर है यहाँ से वो दोबारा से एक रैली पकड़ता है? और अगर रैली मिलती भी है तो कहाँ तक आप लोग को इस शेयर में टॉप पैसा होल्ड करना है और कहाँ तक ये शेयर जा सकता है? तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलना, और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ जयप्रकाश के फ्यूचर टारगेट के बारे में कि आने वाले मंथ के एंड तक ये शेयर आप लोग कहाँ तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो सीधे चलते हैं हम लोग ग्राफ की तरफ। तो देखा जाए इस शेयर में, जब आप लोगों को पता होगा तेजी आई थी, तो उस तेजी आने से पहले इस शेयर ने दो अप्रोक्स यू पैटर्न बनाए थे, एक पूरा कर्व यू था और एक सिंपल यू था। और उस समय इस शेयर ने काफ़ी अच्छी तेजी पकड़ती हुई हम लोग को देखने के लिए मिलता, और वही जो सेम पैटर्न है जयप्रकाश पावर दोबारा बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए इस शेयर में अभी तो आप लोग को एक पूरा यू देखने के लिए मिल जाएगा, और हो सकता है कल के दिन भी अगर ये जो शेयर है ये प्राइस है अप्रोक्स 8 रुपये 80 पैसे और 8 रुपये 30 पैसे के प्राइस को टच कर देता है तो एक और यू पैटर्न इस शेयर में हम लोग को बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, और जिसका पूरा पूरा संकेत होगा कि ये जो शेयर है आप लोग को बड़ी तेजी इस शेयर में देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो तेजी होगी, आप लोग मान के चलिए जो पहला टारगेट आप लोग को रखना है सेफ साइड के लिए, अगर आप लोग सेफ खेलना चाहते हैं इस शेयर में तो आप लोग 10 रुपये 10 पैसे तक रख सकते हैं। 10 रुपये 10 पैसे पर आप लोग एग्जिट कर जाइएगा, और स्टॉप लॉस हम लोग जो रखते हैं 7 रुपये 5 पैसे पर रखते हैं, या फिर अगर आप लोग और सेफ खेलें तो 7 रुपये 35 पैसे पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन बात आती है एंट्री की, एंट्री कहाँ पे लेनी है? तो अगर कल के दिन ये शेयर 8 रुपये 30 पैसे के प्राइस को ब्रेक डाउन कर देता है तो आप लोग इस शेयर में काफ़ी अच्छी एंट्री ले सकते हैं। आप लोग इस शेयर में बिल्कुल आप लोग को आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा, अगर आप लोग एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो 8 रुपये 30 पैसे के उस पर आप लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर 8 रुपये 30 पैसे के प्राइस को ब्रेक डाउन कर देता है तो आप लोग मान के चलो जो पहला टारगेट होगा सेफ साइड खेलने के लिए 10 रुपये 10 पैसे तक ये शेयर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 10 रुपये 10 पैसे के प्राइस को ब्रेक डाउन कर देता है तो मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा, और मैं अगर आप लोग को जो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड करता हूँ कि आप लोग 1 रुपये मतलब 7 रुपये 35 पैसे का स्टॉप लॉस सेट करके रखे। बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो स्टॉप लॉस पे अपना लॉस बुक नहीं करते, और आने वाले टाइम में उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं जो इसके फंडामेंटल्स है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,270 करोड़ का है। कंपनी में अभी तक आप लोग कोई भी डिविडेंड देखने के लिए नहीं मिलता। ऑल टाइम जो हाई हम लोग पिछले एक साल में देखने को मिला है वो 11 रुपये 20 पैसे इस शेयर में देखने के लिए मिला है। आफ्टर टैक्स जो कंपनी है प्रॉफिट जनरेट करी है 228 करोड़ का, और प्राइस टू अर्निंग 23 हो गई। और इसका जो ओवरऑल हम लोग देखें तो पिछले एक साल में इस शेयर ने अप्रोक्स 161% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है। सेल्स की बात करें तो -12% तक की सेल्स ये दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है इस शेयर में, और एक नेगेटिव भी, क्योंकि कंपनी की सेल्स आप लोग को कम होते हुए दिखाई दे रही है। और प्रमोटर्स होल्डिंग है वो भी इस शेयर में काफ़ी अच्छी है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 2.83% की है। स्टॉक का पे 23 है, इंडस्ट्री पे 63 है, तो स्टॉक भी हम लोग अंडर वैल्यू तो नहीं बोल सकते क्योंकि इतने अच्छे फंडामेंटल्स भी स्टॉक के नहीं है। इसके अगर हम लोग पेयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो जो टॉप पर आते हैं अदानी ग्रिड, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, NTPC, अदानी पावर, टाटा पावर, JSP पावर, तो जैसे शेयर्स काफ़ी अच्छे शेयर्स है जिनमें आप लोग को डिविडेंड भी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस देखते तो कंपनी अप्रोक्स पिछले कुछ टाइम से लॉस जनरेट कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो चुकी है, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छे प्रॉफिट में आप लोग को देखने के लिए मिल जाए। इसके हम लोग इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो जो प्रमोटर्स होल्डिंग है उसमें जयप्रकाश पावर, JP इंफ्रास्ट्रक्चर, सत्य, काफ़ी सारे आप लोग को प्रमोटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें से बहुत सारे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है बिल्कुल जीरो है, यानी कि जो प्रमोटर्स है उन्हीं को अपना शेयर पर भरोसा नहीं है। तो जो 24% होल्डिंग है वो आज के टाइम में सिर्फ जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड के पास है, और इसमें FIIs का स्टेक काफ़ी कम है, अप्रोक्स 1.20% तक का स्टेक है। लेकिन आप लोग अगर ध्यान दें इसमें, अगर हम लोग आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ तो आप लोग को देखना होगा कि जो सितंबर 2019 है उस शेयर में जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी सिर्फ 0.90 की थी, जो कि पिछले उसके पिछले क्वार्टर से सिर्फ हाफ ऑफ द रेट थी। और जिसकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग सॉरी जो FIIs होल्डिंग है वो देखा जाए क्वार्टर क्वार्टर आप लोग को बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। तो उसका सीधा सीधा संकेत है जो FIIs जो थे वो कहीं भी अपना पैसा ऐसा इन्वेस्ट नहीं करते, ये लोग सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं भी आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि कहीं इस तरह का अगर आप लोग को FIIs का पैटर्न देखने के लिए मिलता है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से उस शेयर में पैसा डाल सकते हैं, आने वाले टाइम में प्रॉफिट देगा। और ये तो वैसे भी पावर सेक्टर का प्रॉफिट है, आप लोग को आने वाले टाइम में इस शेयर में काफ़ी
ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। गवर्नमेंट होल्डिंग बिल्कुल नहीं, जो पब्लिक होल्डिंग 51% का इस चेक पब्लिक होल्ड कर रही है। तो बोलते आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और जयप्रकाश में आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू सून।